नमस्कार, मैं रीना सहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए रुक करते हैं हिमाचल की ताजा बड़ी खबरों की ओर। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur. इस बार 400 पार होगी भाजपा सरकार। कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। पालमपुर में निजी बस और कार में हुई भिड़ंत, देखें पूरी खबर। ओवरटेक किया और ओवरटेक करने की वजह से जो है वो गाड़ी के साथ सीधा बस की जो है वो टक्कर जो हो गई है। देखिए पुलिसकर्मी जो है वो भी हमीपुर पहुंच चुके हैं। जिला कांगड़ा इंटक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल पटेल। संजीव सैनी जी को बोर्ड ही मंच पर आ जाए। अब मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा। भाजपा ने जारी की लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट। श्रीकांत शर्मा विधायक उत्तर प्रदेश होंगे हिमाचल के प्रभारी। सिरमौर पहुंची उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, कहा भाजपा चुनावों में बहुमत से बनाएगी सरकार। समझ रहा है और मोदी जी के साथ। अब आप किसी की सोच का किसी के विचार के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, पर आज भारत की जनता सब समझती और 14 में बताने के बाद 19 में भी। पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण कर्ज में डूबा हिमाचल का हर व्यक्ति। सीएम सुक्खू जी ने जिताई अपने मन की बात, मीडिया से हुए रूबरू। ये पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ही हैं जिसने इस प्रदेश को कर्जे के नीचे डुबोया है। सर, नेता विपक्ष का कहना है कि आपदा में प्रभावितों को नहीं बल्कि चहेतों को जो है वो लाभ पहुंचाया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको ऐसी कोई चीज है तो उन्हें उसका लिखित में देना चाहिए। मंडी में पकड़ा चिट्टे का सबसे बड़ा तस्कर। नेशनल क्राइम ब्यूरो से लेकर पुलिस तक को थी माफिया की तलाश। देवट सिद्ध में पाइपलाइन फटने से मची अफरा तफरी। लोअर बाजार तक पहुंचा मलबा, भारी नुकसान। देहरा में जंगल में फेंकी दवाइयां, अज्ञात लोगों ने की आग के हवाले। जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। आज के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। जय हिमाचल, जय भारत।